हेलो माय वेरी डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स आई एम बैक फॉर यू और दिस इज सी यशुती अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस ये चैनल पे आपको सारा सी एम ए का एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है यू आ एबल टू याई वॉइस एंड यू आर एबल टू सी द स्क्रीन सो इट इज़ करेक्ट दर इज़ नो टेक्निकल ग्लिच एज यू ऑलरेडी नो दैट आईम स्टिल रिकवरिंग बट आप लोगों का डिसंबर ट्वेंटी फोर का एग्जाम्स नियर बाय है सो आई एव डिसाइडेड कि लेट्स नॉट लिव दिस अटैम जितना पॉसिबल है आप लोगों के लिए वीडियोज आते ही रहेंगे इसी तरीके से आएंगे जिसमें आपको फेस नहीं दिख पाएगा बट सारा जो कन्वे होना है वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट तरीके से कन्वे होगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज ये वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डूइंग दिस मिस्टेक्स और वो मिस्टेक्स कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हो आप द मोस्ट स्केरिएस्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आप लोगों के मन में बहुत बड़ा डर बना चुका है और वह डर के अलावा भी आप कई सारी गलतियाँ कर रहे हो उस चक्कर में आपके सब्जेक्ट में या तो मार्क्स कम आ रहे हैं या तो आप इस सब्जेक्ट की वजह से रह जा रहे हो विच आर रियर डोंट वॉन्ट सो दिस इज़ अ प्राइमरी वीडियो कि कम से कम आप ये मिस्टेक्स उसके आप ये मिस्टेक्स ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए ना करो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपको वीडियो एंड में जाके अच्छा लगेगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को एंड डो पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स की आपको इनके अलावा और क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए राइट सो लेट इस बिगिन वट योर मिस्टेक्स सबसे पहले ना थोड़ी सी हम बात करेंगे सब्जेक्ट को लेकर विच इज योर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टेक्निकलिटीज़ पे बाद में जाएंगे हम लोग लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है ना ये ऑलरेडी आपके मन में सिंस द बिगिनिंग सिंस यू वर अ किड इतना डर बना बैठा है कि जब ये सब्जेक्ट की बात आती है तो हम एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लूज करते इफ यूर टॉकिंग अबाउट एन अदर सब्जेक्ट अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं लॉ की बात करते इकोनॉमिक्स की बात करते हैं सो वेन यू ओपन द बुक बुक ओपन करते टाइम आपके मन में कोई प्रजाम्पन्स नहीं होते हैं वो सब्जेक्ट्स को लेके बट द मोमेंट यू टॉक अबाउट मैथ्स जैसे आपने वीडियो भी देखा होगा आपको इमीडिएटली एक एंगजाइटी होगी कि हाँ पहले देख लेते वीडियो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपके माइंड के अंदर इट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेस एंड एस कैरियर प्लेस कि आप जब भी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे तो एक बाई डिफॉल्ट सा डर इसके साथ चलता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम एक डर के साथ स्टार्ट करते हैं सी आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी पॉजिटिव मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है ज़रूरी नहीं है आपका भी होना चाहिए एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट आउट ऑफ यू बट 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 आप लोगों को जो एक चीज़ करनी है जब आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो कम से कम न्यूट्रल होकर स्टार्ट करो आप लोग मन में एक वो चीज़ लेके मत स्टार्ट करो कि हाँ ये तो डिफ़िकल्टी रहने वाला है बिल्कुल नहीं मैं ऐसा बोल ही नहीं रही हूँ कि डिफिकल्ट रहने वाला है होगा भी ना देखा जाएगा पढ़ तो लेते हैं सॉल्व तो कर लेते हैं राइट सो आप एक चीज़ ध्यान रखें आप मन में जो इस सब्जेक्ट को लेके एक प्रिजम्पन या जिसको आप कहते हो मैं अजम्पशन लिखती हूँ ईजियर टू तो अंडरस्टैंड हो जाएगा एक अजम्पशन लेके चलते हो ना कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है वो निगेटिविटी के वजह से आपकी फिफ्टी परसेंट प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको हर जगह सुनने मिलेंगे बट ये सबसे प्राइमरी चीज़ है आप बाकी कितना भी कुछ कर लो लेकिन अगर आप इसको अपने मन में टैकल नहीं कर पाए ना तो आप कितना भी पढ़ के जाओ हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है वंस दे गो इन द एग्ज़ामिनेशन ये जो डर है ना ये डर के वजह से जो चीज़ें रिकलेक्ट होनी चाहिए वो चीज़ें भी रिकलेक्ट नहीं होती है एंड दैट इज़ द रीज़न आप आज से उस डर से टैकल करो यू हैव टू से टू योर सेल्फ ऑल इज़ वेल जो भी आपको अच्छा लगता है बुक हो अपने आप से लेकिन आपको एक चीज इतना ध्यान रखनी है कि आप लोगों को प्राइमरी ये मन से निगेटिविटी हटानी है मैं नहीं बोल रही हूँ पॉजिटिव रहो बेस्ट सब्जेक्ट फेवरेट है आई लव द सब्जेक्ट ये सब मत बोलो बट जस्ट बी न्यूट्रल लाइक अ ब्लैंक पेज कि देखा जाएगा पढ़ के देखते ना क्या होता है एंड डेली वाइल्ड ओपनिंग दिस सब्जेक्ट का बुक अब अपने आप से एक बार कहेंगे कि कुछ नहीं हो जाएगा देखते हैं नो नेगेटिव एटलीस्ट नॉट पॉजिटिव तो नो नेगेटिव ये प्राइमरी अगर आप अभी टैकल कर लेंगे तो जब आपके हाथ में पेपर भी आएगा तो एकदम ही आप पैनिकिंग मोड में पेपर का क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे कि अगर आप डर डर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वही लगेगा यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है आ ही नहीं रहा है और एक क्वेश्चन भी नहीं आता ना तो हमको लगता है कि हमको दस क्वेश्चन नहीं आ रहे उतना डर बैठ जाता है दैट इज़ अ रीजन आज से प्रैक्टिस करो एंड होप आप प्रॉमिस करते हो कि आज आपसे आज से आप प्रैक्टिस करोगे कि आप एकदम डर बना के नहीं बैठोगे ऑफकोर्स इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको डिफिकल्ट लगते हैं फॉर्मुलाज नहीं होते सारे चीज़ एक्सेप्टेबल है उसी के लिए तो आई एम देव फॉर यू ऑल आप लोगों के लिए फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को भी बहुत बढ़िया सा अनाउंसमेंट होने वाला है बिकॉज कुछ लोग कह रहे थे कि इंटर का ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट तो चालू हो गया है हमारा क्या फाउंडेशन का क्या फाउंडेशन वाले डियर स्टूडेंट्स आपको कोई भूला नहीं और ए तो कैसे भूलेगा यार आप लोगों को आप लोगों के लिए फोटीन ऑफ सेप्टेम्बर को बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट मत मिस करो अगर तब तक के लिए आप कोई टॉपिक में स्टक हो जाते हो बेटा तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है आकाश अग्रवाल क्लासेस एक्सक्लूसिवली फॉर सी एम ये हमारा चैनल है और इसके डिस्क्रिप्शन में इतनी सारी प्ले है आप लोगों के लिए हम सक्सेस बैच के छः सीजन कर चुके हैं उम्मीद बैच के दो सीज़न कर चुके हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन की प्ले है ये मैथमेटिक्स की प्ले है इकोनॉमिक्स की प्ले है मैथ एंड स्टैट्स का वो मैराथन था ये रेगुलर लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है ये इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ें आप मिस्टेक कर देते हो स्ट्रैटेजीज़ बोल लो उसकी प्लेलिस्ट है ये बिजनेस लॉस की ओर बहुत सारे प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे है बिकॉज हम लोग एक्सक्लूसिवली सी ए के लिए काम कर रहे हो तो आपको सारा कॉन्टेंट वैसे ही मिलेगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लेना वेट फॉर फोर्टीन ऑफ सेप्टेंबर सो एज आई वो सींग आपको बहुत डर लगता है डिफिकल्ट लगता है तो टेंशन मत लो आप लोगों के पास मेरी वीडियोज़ है वो देखो समझो एक बार नहीं दो बार इसी से सेकेंड पॉइंट आपका जो लिंक्ड है मैथ्स जब मैं लिख रही हूं ना तो मैथ्स एंड स्टार्ट दोनों आ जा रहे हैं अगर मैं कहीं मैथ्स लिख दू बाई डिफॉल्ट तो मत समझना सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूं मैथ्स एंड स्टैट्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस ज्यादा एज कंपेयर टू तो एनी अदर सब्जेक्ट ये क्विक कंपैरिजन बंद करो मैथेमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हमेशा कहती हूँ साइकोलॉजिकल पेपर ज़्यादा है क्यों ऐसे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते एक बार में अच्छा लगता है अकाउंट्स पढ़ते एक बार में तो बहुत ही अच्छा लगता है लॉ पढ़ते बहुत ही मज़े हो जाते मैथ्स पढ़ते एक बार में घर जाके वापस पढ़ते तो फिर लगता कुछ पढ़ा ही नहीं है क्यों कंपेयर करो फिर आप दूसरे सब्जेक्ट से क्या करो कंपेयर करो

तो क्या होने वाला है आपके साथ कि आपको लगेगा कि सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कंपेयर मत करो बाय डिफॉल्ट बन में रखो कि अगर आपका अकाउंट्स एक बार में होता है तो मैथमेटिक्स दो किसी का तीन बारी में होगा तीन बार एक ही एक ही चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसी से हमारा थर्ड मिस्टेक जो लिंक्ड है कि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो ये सब्जेक्ट की आप लोग क्या कर लेते हो ना सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को रीड करते हो सोल्यूशन रीड करते हो दैट इज नॉट द करेक्ट वे यही सारे मिस्टेक्स आप कर रहे हो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो यू नीड टू प्रैक्टिस एग्जाम्पल के लिए आज आपने क्लास की है मेरे साथ या कहीं भी आप क्लास कर रहे हो ठीक है आप क्लास की घर जाके आप, आप सोच रहे हो कि हम घर जाएंगे क्वेश्चन खोलेंगे और हमको सोल्यूशन आ जाएगा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको सिखा रही हूँ कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे साथ क्लास में सॉल्व करोगे घर जाके आपको सब रट जाएगा हम रट नहीं रहे हैं घर जाके आपको रीड नहीं करना है घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है वो भी सल्यूशन देख के एक बार दो बार तब जाके थर्ड एंड फोर्थ टाइम में आपको खुद से आने लगेगा आप जो जो एक्सपेक्ट करते हो ना कि हम घर जाएंगे और हमको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो बच्चा आपने लर्न नहीं किया या कहीं भी एटलीस्ट आई एम दैट ऑनेस्ट इनफ टू से क्लास देख के आपको घर जाके एज इट इज सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं चल रही कि आप मेरा क्लास कर लो आपको पूरा मैथ्स एकदम बस क्लास में ही करने की ज़रूरत है घर जाओगे तो सारी चीज़ें आ जाएगी सब बकवास होता है ये सब मोह माया है घर जाके एक से दो बार आज दो दिन कभी भी जैसे जैसे आप पढ़ते हो आपको एक से दो बार सोल्यूशन रेफर करके कॉन्सेप्ट फिर से याद करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके तीसरी बार आप उसको खुद से सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होंगे इसलिए रीड करना बंद करो मोमाया में रहना बंद करो आंखें खोलो प्रैक्टिकल अप्रोच रखो और ये सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही सब्जेक्ट आपको मार्क्स देगा सो ये अनादर मिस्टेक है कि हम मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स को क्या कर लेते हैं रीड कर लेते हैं हम लोग उसको प्रैक्टिस करना प्रेफर नहीं करते विच इज़ रॉन्ग द फोर्थ थिंग इज क्वेंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का एक सही सीक्वेंस होता है अगर आपने सोच लिया पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हो एकदम डिफिकल्ट टॉपिक उसके बाद भी हमने डिफिकल्ट टॉपिक उठाया हम एकदम जोश में हम तीन डिफिकल्ट टॉपिक कर रहे तो ये तरीका सही नहीं है डिफिकल्ट 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 करोगे तो आप अपनी माइंड की क्षमता भी समझो अभी क्षमता का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप उससे बोर होने वाले हो डिफिकल्ट लगने वाले हो डिमोटिवेट होने वाले हो तो करेक्ट सीक्वेंस सीक्वेंस शुड बी अ बैलेंस ऑफ डिफिकल्ट एंड ईजी टॉपिक और अच्छा एक काम करूंगी इस सिक्वेंस का भी मैं आपको वे, वेरी सुन एक वीडियो बना के दे दूंगी कि आपने किस सीक्वेंस में इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए ठीक है इसी सीक्वेंस के पॉइंट से अगला टॉपिक है जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो नया नया तो आप एक इजी टॉपिक से स्टार्ट करोगे इजी टॉपिक लाइक वॉट एग्जाम्पल के लिए सेट्स एग्जाम्पल के लिए टाइम एंड डिस्टेंस से कोई इजी टॉपिक से स्टार्ट करोगे जो आपको अच्छा लगता है एकदम डिफिकल्ट से जोश उश में स्टार्ट करके फिर अपना डिमोटिवेशन बहुत जल्दी होने वाला है गो स्लो थोड़ा सिंपल फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट ऐसे करेंगे एक और मिस्टेक होती है हम कैल्सियन शॉर्टकट्स का बहुत यूज नहीं कर रहे हम मेंटल कैलकुले कई 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 लोग आप में से सबकी बात नहीं कर रहे हो बट आप कई लोग क्या करते हो कैलकुलेटर ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हो फ़ोन पे कर लोगे कभी कभी आप लोग मेंटली कैलकुलेट करना चाहोगे मेंटली कैलकुलेशन वो करना चाहेंगे जिनको मैथ सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है वो तो दिखाना चाह रहे कि ये अपना मैथ बहुत अच्छा है हमको सब आता है सब सही है लेकिन नॉट नाउ अभी कैलकुलेटर है तो इससे आपका होगा टाइम सेव शॉर्टकट्स मैं आपको कितने शॉर्टकट सिखाती हूँ क्लास में लेकिन वो शॉर्टकट सिर्फ क्लास के लिए नहीं है उसको घर जाकर प्रैक्टिस करोगे वो शॉर्टकट्स को इनकलकेट करोगे तब जाके आपको क्या होने वाला है टाइम सेव होगा एग्जाम में टाइम मैनेज होगा तो कैलकुलेटर इतना ही अच्छे तरीके से आना चाहिए जितने अच्छे तरीके से आपको आपका फ़ोन मैनेज करते आते हैं अगर आपके पेरेंट्स सामने बैठे हैं और आप किसी को रिप्लाई करना चाह रहे हो चुपचाप से तो आप एक नज़र आपके की पैड डालते हो तो भी आप टाइप कर सकते हो आधी तिरछी नज़र से भी उतना ही आपका ग्रिप बैठना चाहिए आपके कैलकुलेटर पर आई एम बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट द नेक्स्ट मिस्टेक विच यू आर डूइंग इज आप लोग फॉर्मूले लर्न नहीं कर रहे हो और एक ही क्रिबिंग चलती है कि फॉर्मूले बहुत है फॉर्मूले बहुत है फॉर्मूले बहुत है तो भाई लर्न करो है तो है ना अभी बोल के क्या होने वाला है फॉर्मूला लर्न करो लर्न कैसे करें एक छोटी सी बुक बनाओ छोटी सी डायरी बनाओ माय स्टूडेंट्स ए सी के स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी इस प्रैक्टिस में हो मैं आपको फर्स्ट डे से कह रही हूँ एक कॉन्सेप्ट बुक अलग होगा और एक थ्योरी बुक कॉन्सेप्ट बुक रिविजन के लिए हम अलग बना रहे हैं और एक फॉर्मूला के लिए छोटी सी डायरी अलग बना रहे हैं और वो डायरी डेली बेसिस पे एक बार दो बार दिन में दो बार लाइक दवाई रिवाइज करने का फिर फार्मूला क्या होने लगेंगे लर्न हो जाएंगे उसके बाद हाँ इसके लिए आप छोटी बुक या छोटी डायरी कुछ भी मेंटेन कर सकते हो उसके बाद कई बार कई बार हमको ऐसे लगता है हम ये सब्जेक्ट को थोड़ा ओवर हाइप कर देते हैं और वो कैसे करते हैं डिस्कस करके आपको मैथ डिफिकल्ट लग रहा है आप अपने फ्रेंड से बात करोगे उसको भी डिफिकल्ट लग रहा है चौथे इंसान को भी डिफिकल्ट लग रहा है सबको डिफिकल्ट लगने लगता है तो आप जितना डिस्कस करोगे उतना डिफिकल्ट लगेगा ये करना बंद करो स्टॉप दिस नॉन डिफिकल्ट है एक्सेप्टेड है जितना डिस्कस करोगे उतना ज्यादा आपके माइंड में डिफिकल्टी बढ़ेगी साइकोलॉजिकल पेपर है मैंने कई बार कहा है तो आप लोगों को ये चीज बंद करनी है डिस्कशन करना है तो पॉजिटिव करो वो हो तो होगा नहीं तो आप ना करो तो भी चलेगा नॉट अ प्रॉब्लम बट डोंट डिस्कस ऑल्सो डोंट ओवर डू द सब्जेक्ट अब आप ये वीडियो देख के थोड़े मोटिवेट हो जाओगे तो हमको लगेगा हाँ मैथ अच्छे से करेंगे अब आपने सोचा, हम कल का पूरा दिन मैथ्स ही कर लेंगे या कोई भी एक दिन मोटिवेशन ज्यादा आ गया तो हम पूरा दिन मैथ्स करेंगे नहीं डोंट ओवर डू बट बी कंसिस्टेंट ऑल्सो दोनों पॉइंट लिंक्ड है एक्चुअली ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आप डेली टू आर्स बाई डिफॉल्ट इस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करोगे ओवर डू भी मत करो बट कंसिस्टेंट भी रहो दोनों का बैलेंस होना चाहिए ट्रेड ऑफ होना चाहिए तो आप ये दोनों आप दो घंटा ये दोनों पॉइंट्स कंसिडर करके मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बाई डिफॉल्ट प्रैक्टिस करेंगे और ये दस मिस्टेक यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट यू हैव टू प्रोमिस मी इन द कॉमेंट बॉक्स और आपको और कुछ भी लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस पर वीडियो आना चाहिए तो आप पक्के से बता दो सो दैट आई कैन मेक वीडियोज आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर वीडियो आना स्टार्ट हो चुके हैं डिसम्बर ट्वेंटी फोर अटैम्प्ट के लिए और अगर कोई जून ट्वेंटी फाइव दे रहा है तो बट आप लोगों के लिए भी वेरी मच एप्लीकेबल है ये सो so, सो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा अगर ये वीडियो हेल्पफुल था आप लोगों को तो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इफ़ यू आर न्यू डू पुट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स आई एम देर फॉर यू एज देर फॉर यू आप लोगों को डिसंबर ट्वेंटी फोर का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा दैट्स फॉर श्योर सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉड्स ऑफ लव ट्रस्ट मी आई एम मिसिंग यू वॉल आप लोग जब वीडियोज़ देख के अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो मैसेजेस कर रहे थे इनफैक्ट ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ंग्रेचुलेशन के मैसेज मीन्स अलॉट मे बी आई वॉज नॉट एबल टू रेबोट टू इच एंड एवरी वन ऑफ यू बट सच में इट मीन्स अलॉट टू मी एंड अग यू ऑल सो मच आप लोगों के जब मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम आता है तो देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी याद आ रही है किस किस को आई के नॉट एक्चुअली कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस हाउ इट फील्स बट ट्रस्ट मी आप लोग हमारी डिसंबर ट्वेंटी फोर के लिए प्रायरिटी हो एंड यू हैव टू स्टडी वेल सो वट एवर जितना भी बनता है एम एम गोइंग टू गव बट फॉर यू ऑल आपको भी अब से पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करनी है बहुत सुन में और भी वीडियोज़ लाऊंगी लाइक डिसम्बर ट्वेंटी फोर की ओवरऑल स्ट्रैटेजी मैथ्स की स्ट्रैटेजी एंड मैनी मनी मैनी अदर वीडियोज़ अदर सब्जेक्ट के भी आ रहे हैं इस सब्जेक्ट के भी आएंगे ओवरऑल भी आएंगे बस आप पढ़ते रहो ली वन एंड बब